हया बिनत अकरम ख़ान आपको मुर्तसिम खान व शाहनवाज़ अहमद ख़ान के साथ बेवल हक महर 50 लाख रुपए से कह राजुल वक्त निकाह कबूल है? कबूल है। जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। फिर वो मोहब्बत मोहब्बत थोड़ी रहती है, क्या हो जाती है? इश्क बन जाती है। मोहब्बत तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। ये मीरा बीबी कहां से आ गई? वो क्या है? मीरा, मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। मेरे मरने से पहले, मेरे मरने से पहले तुम्हें आना था। मैं मर ही नहीं सकता था। मैं में तलाश किया, रोहेल के पास दिए। वो रोहेल के साथ नहीं गई थी? नहीं,
भी ये रोहेल के साथ रहिए उसके साथ। और तुम दोस्त हो ना इसकी, इसलिए इसका साथ दे रही हो। बताओ ये रोहेल के साथ, ये रोहेल के साथ ही, रोहेल के साथ ही ये। पिछले 2 साल से कहां थी तुम, किसके साथ थी? ये बच्ची किसकी है? ये मुत्तसिम की बेटी। नहीं, माँ बेगम मुर्तजम की बच्ची नहीं है ये। कि नया झूठ है या नया धोखा दे रही हूं? मेरा सच सिर्फ इतना ही है कि मेरी और मुर्तजम की बेटी है। नहीं मुर्तसिम, मुर्तसिम ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। इससे इसको पता चल गया कि हमारा निकाह हो रहा है, ये हमें खुश नहीं देख सकती, इसलिए आई है। और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा ला के ये बोल रही है। तुम्हारा बच्चा नहीं। माँ बेगम ये फिर से कोई साजिश कर रही है। झूठी है, नौसत पिलाने फिर से आई है। ये खुशियों को खाने आई है, मेरी हम सबकी। तुम निकलो, कोई नहीं निकालेगा ऐसा यहां से। मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर मामू आप चुप रहे। नहीं पता आपको, ये आती है हमेशा मुर्तजम को मुझसे छीनने, मेरी खुशियों को मुझसे छीनने। ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूं। हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, जिसकी वजह से हमेशा मुझसे छीना गया। निकल यहां से। जो मेरी बीवी है
ये मेरी बेटी है। कोई नहीं यहां से नहीं निकाल सकता। आज के बाद कोई भी इस पे किसी किस्म की उंगली नहीं उठाएगा। ये कहां थी, किसके साथ थी, कैसे गई कैसे नहीं गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना काफी है कि मीरा वापस आ गई है।
मुर्तसिम का किरदार कैसा लगा आपको? बहाजली के मजीद सुपरहिट ड्रामास देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
मैं जानता हूं, मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था जब आप हमारा घर में आया था। लेकिन मैं क्या करता, मेरे रब ने मना किया था मुझे, कि वो आपके सामने नहीं आना चाहता। और मैं खुद भी डरा हुआ था। खैर, डरा हुआ तो मैं अब भी हूं। खुदा का कसम, मैंने जो कुछ भी किया इंसानी हमदर्दी के लिए किया। मैं इसको बेअसर नहीं छोड़ सकता था। का बहुत शुक्र है कि आप इन्हें मिले। आपने इनका ख्याल रखा। जिंदगी में कभी भी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया मुर्तसम साहब। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। चेन है। ये क्या है? ये सोने की चेन है। मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये रख लो, मुझे कराची जाने दो। असली सोने की? और ये हीरा भी? ठीक है, ठीक है, जो हो गया तुम्हारा। मीरब ने हमको दिया था, इसको बेचने का बहुत मौका है, लेकिन मैं बेच नहीं पाया। क्योंकि किसी की मोहब्बत का निशानी है। शुक्रिया।
सवाल पूछूं? बस एक सवाल। बल्कि आओ सबके सामने पूछता हूं। किरदार कैसा लगा आपको? यमुना जैदी के मजीद सुपरहिट ड्रामास देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। माँ बेगम, अब मेरा निकाह नहीं होगा। हया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, एक बात तुम दसवीं दफा कर रही हो मुझसे। तो आप कह देना मुर्तसिम सिर्फ मेरा है। मीरब आ गई है वापस, मान लो ये बात। क्यों आ गई वो? इतनी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई थी मैंने। फिर आ गई। ऐन निकाह के वक्त थोड़ी देर से आ जाती, निकाह हो जाता मेरा। और माँ बेगम, आपने उसके झूठ को सच मान लिया? वो बच्चा मुर्तसिम का नहीं है। मैं नहीं मानती। सारा किया धरा उसका है, वो जब भी आती है मेरा सब कुछ उसका हो जाता है। मीरब, जिस रात तुम घर छोड़ के जा रही थी, तुम्हें जाते हुए किसी ने देखा था? मुर्तसिम, मीरब झूठ बोल रही है। मैंने इसे जाते हुए नहीं देखा, मैं नहीं थी वहां। झूठ मत बोलो हया, झूठ बोल रही हो मीरब, तुम झूठी हो। उस दिन तुम्हारे झूठ को सच मान लिया मैंने, आज सच बोलना। जिस दिन मीरब यहां से गई, तुम वहां थी? अगर मैं वहां होती तो मीरब आज यहां होती?
हेलो, कोई कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? खान की बीवी घर से निकल गई है, ना ड्राइवर साथ में है ना मुलाजमा। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है मेरी बात? हेलो हेलो, कोई नहीं सुन, किसको बताऊं, कैसे बताऊं? सच ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए की। क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। साहब, आपको पता है कि आपको क्या करना है? कितना समझाया था तुम्हें मैंने कि छोड़ दो अपनी ये जिद, लेकिन तुमने तो इस जिद के पीछे सब कुछ गंवा दिया। कहती हो कि मीरा ने तुम्हारी खुशियां छीनी है, तुम खुद दुश्मन हो अपनी खुशियों की। देख लो कहां से कहां तक आ गई। मैं तुम्हें अब इस घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरी, हया का सामान पैक करो, इसे गांव जाना है हमेशा के लिए। Thank you.
जियो चैनल पसंद करने का शुक्रिया। अगर हर पल जियो के बेहतरीन ड्रामास ही नहीं देखे तो क्या देखा अपने लाइफ में अभी तक। देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल एक डिजाइनर आएगी, मीसम का लिविंग रूम सेट होगा। कुछ आइडियाज शेयर किए हैं मैंने, तुम भी अपने कर लेना, अच्छा हो जाएगा। ये जाने के बाद भी यहीं सोते थे? तुम्हारे यहां ना होते हुए भी सिर्फ तुम्हें इमेजिन किया। तुम्हारे जाने के बाद ये घर, कमरा, यहां की हर एक चीज बिल्कुल वैसी है, कुछ नहीं बदला। इसमें बदल गया हूं, जिद नहीं करता। सभी काम कम करता हूं, करता भी नहीं। कुछ देर यहां साथ बैठ सकते, प्लीज। प्लीज
हमारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरी मंजिल, मेरा सुकून, सब कुछ तुम हो। तुम हो तो सब है, तुमसे सब है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। जैसा कहोगी वैसा बन जाऊंगा। जैसे कहोगी वैसे रह भी लूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा यार। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ऐसा कहूंगी वो मानोगे? हमेशा हमेशा। जो भी हो जाए हमेशा मैं ठीक हूंगी। मुर्तसिम पे हमेशा हीरा की मर्जी चलेगी। इसकी सोच, इसकी सोच। प्रॉमिस मी भूल नहीं जाओगे? कभी जा ही नहीं सकती अब। प्यारी है ना हमारी तरह, तुम्हारी तरह।